अगर आप भी दिल्ली मेट्रो में सफर करते हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी आई है और होगी भी क्यों नहीं, यात्रा आसान जो होने वाली है। अब मेट्रो टिकट पाने के लिए आपको स्टेशन की लंबी लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप IRCTC यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के पोर्टल के जरिए ही दिल्ली मेट्रो के लिए टिकट खरीद पाएंगे। इसके लिए DMRC ने IRCTC के साथ समझौता किया है। ऐसे में अब यात्री IRCTC पोर्टल पर QR कोड बेस्ड ट्रेन टिकट खरीद पाएंगे। इस कदम को एक भारत एक टिकट के पहल के रूप में देखा जाएगा। साथ ही इस फैसिलिटी के जरिए IRCTC और DMRC का ये लक्ष्य है कि लोगों को बिना किसी परेशानी के टिकटिंग सुविधा मिल सके। इसके जरिए ट्रैवलर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर बस, ट्रेन, फ्लाइट, मेट्रो, इन सभी माध्यमों के ऑनलाइन टिकट प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि इस सुविधा को कब शुरू किया जाएगा, अभी इस पर कुछ डिसीजन नहीं लिया गया है। इस बात की जानकारी IRCTC ने एक नोटिफिकेशन से दी कि DMRC के साथ QR कोड बेस्ड टिकट बुकिंग के लिए एग्रीमेंट किया है। ये एग्रीमेंट 14 अगस्त 2023 को किया गया, जिसके लिए IRCTC ने MOU साइन किया है। इससे पैसेंजर्स को लंबी लंबी लाइनों में लगने से छुटकारा मिलेगा और यात्री के समय की भी बचत होगी। इस पार्टनरशिप की अनाउंसमेंट करने से पहले IRCTC ने करंट फाइनेंशियल ईयर यानी 2023-24 के पहले क्वार्टर का रिजल्ट भी जारी किया, जिसमें कंपनी के प्रॉफिट में 5% की गिरावट दर्ज हुई, जो गिरकर लगभग 230 करोड़ के आसपास रहा। वहीं इसे पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेयर करें तो ये 270 करोड़ के आसपास था। वही कंपनी के टूरिज्म बिजनेस की बात करें तो इसमें टोटल 58% की बढ़त देखी गई और ये लगभग 80 करोड़ रुपए से बढ़कर 130 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। तो क्या आपको लगता है कि इस नई सुविधा से पैसेंजर्स का सफर और भी आसान रहेगा? हमें कमेंट में लिख के जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही सुविधाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल पैसा लाइव को अभी सब्सक्राइब कर लें।